नमस्कार, फिल्म स्त्री 2 के सिनेमाघरों में रिलीज हुए 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। पहले दिन पैड प्रीव्यूज को मिलाकर के 64 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली फिल्म स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर दबदबा जारी है। सरकटे का आतंक फिलहाल सिनेमाघरों में लगातार जारी है। फिल्म ने महज 9 दिनों के अंदर ही भारत के बॉक्स ऑफिस से 300 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी। तो वहीं दोस्तों, फिल्म का वर्ल्ड वाइड से 400 करोड़ का आंकड़ा भी आसानी से पार हो चुका था। बात करेंगे फिल्म के आज सेकेंड सैटरडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 की। तो फिल्म स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के अंदर भी शानदार आंकड़े देखने को मिले हैं। बात करेंगे फिल्म के डे 10 कलेक्शंस की। तो फिल्म स्त्री 2 ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के अंदर भारत के बॉक्स ऑफिस से शानदार कमाई करते हुए करीब 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रही है। इसी के साथ फिल्म स्त्री 2 का 10 डेज तक भारत के बॉक्स ऑफिस से 340 करोड़ की कमाई हो चुकी है। तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड 445 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म को ओवरऑल 60 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। 60 करोड़ के मुकाबले फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस कर रही है। फिल्म स्त्री 2 फिलहाल सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। फिल्म अपने सेकेंड वीकेंड में है और फिल्म फिलहाल कलेक्शन करने के मामले में शानदार कमाई कर रही है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो आप एक साल 2024 की बेहतरीन फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में फिल्म स्त्री 2 को जरूर देखें। चलिए दोस्तों बात करते हैं चियान विक्रम एंड मालविका मोहनन स्टार तमिल फिल्म तांगलांग के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म तांगलांग के कलेक्शंस की। तो फिल्म तांगलांग के सिनेमाघरों में रिलीज हुए 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और फिल्म फिलहाल कलेक्शंस करने के मामले में डिसेंट कमाई कर रही है। फिल्म ने जहां अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड से 26.15 करोड़ की ग्रॉस ओपनिंग कर साल 2024 की तमिल की सबसे हाईएस्ट ओपनिंग लेने वाली फिल्म बनी। तो वही फिल्म तांगलांग के सिनेमाघरों में 10 डे कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म तांगलांग ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 10 के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 2 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शुरुआती 10 डेज तक वर्ल्ड वाइड से 70.95 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर ली है। फिल्म का तमिलनाडु के स्टेट से 35.25 करोड़ ग्रॉस, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से 8 करोड़ ग्रॉस। तो वहीं फिल्म का केरला के बॉक्स ऑफिस से 3.10 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म तांगलांग के बजट की बात करें तो फिल्म तांगलांग को ओवरऑल 140 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। 140 करोड़ के मुकाबले फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ कमा चुकी है। फिल्म तांगलांग दोस्तों आपने देखी या ना देखी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं साल 2024 की तमिल लैंग्वेज की हॉरर थ्रिलर फिल्म डीमोंडी को उन्होंने 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे अरुण लिथि एंड प्रिया भवानी शंकर स्टार फिल्म डीमोंडी को उन्होंने 2 के कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म फिलहाल कमाई करने के मामले में अपने बजट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा की कमाई करने में कामयाब रही है। बात करेंगे फिल्म डीमोंडी को उन्होंने 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की। तो फिल्म के सिनेमाघरों में 10 डे कंप्लीट हो चुके हैं। डे 10 कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 10 के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 2 करोड़ की क्रॉस कमाई कर शुरुआती 10 डेज तक वर्ल्ड वाइड से 30 करोड़ की क्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म डीमोंडी को उन्होंने 2 को ओवरऑल 2 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। 2 करोड़ के मुकाबले फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रिस्पॉन्स दिखाते हुए वर्ल्ड वाइड 30 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म डीमोंडी को उन्होंने 2 के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी तो फिल्म के सेकंड पार्ट ने भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए बजट से 3 गुना ज्यादा कमाई कर ली है। फिल्म डीमोंडी को उन्होंने 2 ऑडियंस को इम्प्रेस करने में पूरी तरह से कामयाब है। फिल्म में जबरदस्त का हॉरर थ्रिलर देखने को मिल रहा। फिल्म डीमोंडी को उन्होंने 2 दोस्तों आपने देखी या ना देखी अगर आपने इस फिल्म को मिस किया है तो वीकेंड में फिल्म को जरूर देखें। चलिए दोस्तों बात करते हैं राम पोथिनेनी एंड संजय दत्त स्टार तेलुगु पैन इंडिया रिलीज फिल्म डबल स्मार्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म डबल स्मार्ट के कलेक्शंस की। तो दोस्तों बता दूं कि फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से नीचे गिरती हुई नजर आई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इम्प्रेस करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। फिल्म को लेकर के जबरदस्त का हाइप था लेकिन फिल्म फिलहाल जैसे ही रिलीज हुई सिनेमाघरों में उतना खास परफॉर्मेंस करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। फिल्म के 10 डे कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म डबल स्मार्ट ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के अंदर वर्ल्ड वाइड करीब 40 लाख की कमाई कर शुरुआती 10 डेज तक महज 25 करोड़ की ही ग्रॉस कमाई कर सकी है। फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बॉक्स ऑफिस से 16.90 करोड़ की ग्रॉस कमाई
कमाई की है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म डबल स्मार्ट को ओवरऑल 90 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था। 90 करोड़ के मुकाबले फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। चलिए दोस्तों बात करते हैं मास महाराजा रवि तेजा एंड बागेश्वरी बोर्ड से स्टारा फिल्म मिस्टर बच्चन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म मिस्टर बच्चन के कलेक्शन की, तो फिल्म मिस्टर बच्चन भी सिनेमाघरों में फेल साबित हुई। बात करें फिल्म के डे 10 तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो फिल्म मिस्टर बच्चन ने 10 डेज तक वर्ल्ड वाइड से महज 15.75 करोड़ की ही ग्रॉस कमाई कर सकी है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से डाउन होती हुई नजर आई है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म खेल खेल में के कलेक्शन की, तो फिल्म खेल खेल में फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से बेअसर साबित हुई है। फिल्म के डे 10 तक टोटल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म खेल खेल में ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के अंदर 1.15 करोड़ की नेट कमाई कर टोटल 10 डेज तक भारत के बॉक्स ऑफिस से 23.55 करोड़ की नेट कमाई कर सकी है, तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड से 34 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म खेल खेल में फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर उतना असर नहीं छोड़ पा रही जितना अक्षय कुमार की फिल्मों से उम्मीद होती है। फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर अक्षय के करियर की एक और फ्लॉप फिल्म साबित हुई है। चलिए दोस्तों बात करते हैं जॉन अब्राहम एंड सरवरी स्टारर फिल्म वेदा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म वेदा के कलेक्शंस की, तो फिल्म वेदा सिनेमाघरों में 10 डेज कंप्लीट कर चुकी है। फिल्म के 10 डेज तक कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 10 के अंदर 75 लाख की कमाई कर टोटल 10 डेज तक 18.80 करोड़ की ही नेट कमाई कर सकी है, तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड 24 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। दोस्तों फिल्म वेदा के बजट की बात करें तो फिल्म वेदा को ओवरऑल 60 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कोस्ट को मिलाकर। फिल्म वेदा फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शंस करने के मामले में पिछड़ती हुई नजर आई है, लेकिन फिल्म की बात करें तो फिल्म में जबरदस्त का मास इंटेंस देखने को मिला। फिल्म में जॉन अब्राहम ताबड़तोड़ एक्शन मोड में नजर आए हैं। फिल्म वेदा दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो वीकेंड डेज में फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों ये था लेखा जोखा हाल फिल्म के कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आए तो लाइक करिए, लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरी इस एंटरटेनमेंट न्यूज कलेक्शंस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।